आप देख रहे हैं हादिस न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौरीन मेमन। खुशखबरी है आज की अहम तरीन खबरें। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को बजरिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के अहल खाना ने वतन वापसी की हामी भर ली, जिसके बाद उन्हें बजरिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि परवेज मुशर्रफ शदीद अलील हैं और दुबई में ज़ेर इलाज हैं। उनका 4 साल से दुबई के मुकामी हस्पताल में इलाज चल रहा है। वक्त के साथ साथ दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने और लोगों को रोज़गार मुहैया करने के गर्ज के लिए जंगलात को काटा जा रहा है और ज़रई ज़मीन को बेशहरों और सनअती इलाकों में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आजकल दुनिया की आबो हवा भी तब्दीली आ रही है। इस मौसमी तब्दीली की वजह से भी ज़रई पैदावार में कमी आ रही है। इन वजूहात के बिना पर खुराक का हुसूल और भी मुश्किल हो गया है। इन हालात में खुराक के हुसूल के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया जा रहा है। इन तरीक़ों में एक फूड स्किपिंग का तरीक़ा भी शामिल है। इस तरीके में घरों के लॉन में सजावट और खूबसूरती के लिए लगाए जाने वाले पौधों की जगह फलों, सब्जियों और ऐसे पौधों को लगाया जाता है जिनसे खुराक हासिल की जा सके। ये तरीक़ा गुंजान आबाद इलाकों के लिए बेहतर समझा जाता है, जहां इस तरीक़े का इस्तेमाल करके आराइश और खुराक के हुसूल के साथ साथ पैसे की भी बचत की जा सकती है। इस तरीके से हासिल की गई सब्जियां और फल गजाइत के लिहाज से भी मार्केट में मयसर सब्जियों और फलों से बेहतर होते हैं। फूड स्किपिंग के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल वक्त दिया जाए और ऐसे पौधे और उनकी ऐसी अकसाम का इंतखाब किया जाए जो जोग्राफियाई महल वकू और आबो हवा और इस इलाके के लिए मौजू हों। इस तरह हमारी ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ माहौल पर भी बेहतर असर पड़ेगा। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हादिस न्यूज़।